हेलो गाइस, और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। आज सबका स्वागत है आज की नई ऑसम सी वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हु इज बेटर, नारुतो और बोरुतो। कौन ज्यादा बेटर है, नारुतो ज्यादा बेटर है कि बोरुतो ज्यादा बेटर है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नारुतो या फिर नारुतो शिप्युडन एनिमी वर्ल्ड में कितना फेमस है, और नारुतो वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन में भी कंसिडर किया जाता है। इस एनिमेशन ने लाखों लोगों के दिल में जगह बनाई, लाखों करोड़ों लोगों के दिल में, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि नारुतो एक डम्ब निंजा है, लेकिन वो बहुत अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डिटर्मिन निंजा है। उसको फ्यूचर में हुकागे बनना है, और फैंस को इसके करेक्टर, आर्ट स्टाइल, डीप स्टोरी और बैटल सीन्स बहुत पसंद है। आप जानते हैं इसमें बैटल्स कितनी ऑसम होती है। लेकिन नारुतो सीरीज के एंड होने के बाद न्यू सीरीज चालू हुई है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन है। ये तो सच है कि बोरुतो ने अपने प्रेडिसेसर्स को सरपास कर लिया है, बट अभी भी बोरुतो नारुतो वर्स के आसपास भी नहीं है, और अभी बोरुतो को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। गाइस, हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पे जाते हैं, बोरुतो और नारुतो को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा एनिमेशन ज्यादा बेटर है। फर्स्ट पॉइंट ये है, नारुतो में जितने भी कैरेक्टर हैं सबकी अपनी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, उन सबका अपना एक डिफरेंट ड्रीम है, और शिकामारू, गारा, टेंटेन, रॉक ली जैसे जितने भी कैरेक्टर्स नारुतो में हैं, वो सब एक अमेजिंग मजेदार, मतलब उन सब ने एनिमेशन को मजेदार बना दिया, अमेजिंग बना दिया है। वहीं बोरुतो में उन्हीं कैरेक्टर्स को रिसाइकल करके दिखाया गया है नारुतो से, और उन्हें न्यू पर्सनैलिटी देने की कोशिश की गई है। वैसे इसमें अलग कैरेक्टर्स हैं जैसे मेटल, शिकाडाई, चोचो, बट क्या वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है? वो लोग अपने पेरेंट्स की तरह ही तो है, सब सारी बिल्कुल खूबियाँ सारी सेम, उनका फ्यूचर का ड्रीम, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है। सेकेंड पॉइंट ये, नारुतो में भाई सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ बोरिंग एपिसोड होंगे, बट वो कभी भी अपनी स्टोरी से नहीं हटा। ऑन द अदर हैंड, वहीं अगर हम लोग बोरुतो को देखें, बोरुतो में कितने एपिसोड न्यू कैरेक्टर को सिर्फ इंट्रो में लगा दी, मतलब उनके इंट्रोडक्शन ही में कितने एपिसोड स्टार्टिंग के वेस्ट कर दिए गए थे। और स्टार्टिंग में तो कुछ एक्शन था, हाँ स्टार्टिंग में एक्शन दिखाया जाता था, स्टार्टिंग में जब वो न्यू वाला दिखाया था कि हाँ सुमीरे बुरी थी, बट धीरे 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 करके वो भी उनने पेस खत्म कर दी, उनकी पेस भी खो दी यार, कि अब तो फाइटिंग दिखती ही नहीं है। इसमें कुछ फालतू के बोरिंग एपिसोड, मतलब इसमें फालतू बोरिंग एपिसोड दिखा रहे होंगे, और उससे एकदम से चेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा सीरियस एपिसोड में, जहाँ जहाँ 10-10 एपिसोड निकल जाते हैं कि बोरुतो मेन नहीं दिखाया जाता, बोरुतो को दिखाया तक नहीं जाता। वहीं पे कभी कभार तो ऐसा था 15-15, 20-20 एपिसोड बोरुतो के ही निकल रहे हैं। तो गाइस, इस टाइप से हमें बताया गया कि हाँ नारुतो क्यों अच्छा था, तो इससे पता चलता है कि नारुतो में चाहे कितने भी बोरिंग एपिसोड आ जाए, बट हाँ नारुतो कभी भी ट्रैक से नहीं हटता था। गाइस, इस टाइप की चीजें हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बोरुतो एनिमेशन में सस्पेंस की बहुत ज्यादा कमी है। इस एनिमी में आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे क्या होने वाला है, अगले मिनट में क्या होने वाला है, अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, बट वहीं अगर हम बात करें नारुतो की, तो आप अगले हाँ अब इस करेक्टर की जान जाने वाली, ये करेक्टर मरने वाला है, बट वहीं आप चाहे तो देख सकते हैं काशी का हो, शिकाडाई को, बहुत सारे करेक्टर सीन्स आए जिसमें लगता है कि हाँ ये करेक्टर मरने वाला है, बट कभी भी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ एक मोड आ जाता है, एक सस्पेंस बना सा रहता है। तो इससे बता, बोरुतो में कभी भी सस्पेंस रहा ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बोरुतो में एक्शन फाइटिंग की बहुत कमी, मतलब बोरुतो में एक्शन फाइटिंग बहुत रेयरली दिखाया जाता है, नॉर्मल फाइट दिखाई जाती है, बट जो लेवल में नारुतो में फाइट्स होती है ना, वो नहीं दिखाई जाती। हाँ मैं ये मानता हूँ कि बोरुतो जो एनिमेशन है वो निंजा, जब निंजा वर्ल्ड पीस में थी उस टाइम का बनाया गया, बट हाँ लेकिन एनिमेशन में फाइटिंग की तब भी कमी है। नारुतो एनिमेशन में जब वर्ल्ड में पीस थी, बहुत ज्यादा वॉर नहीं थी, तब का बना हुआ है, उसमें भी इतनी फाइटिंग तब भी दिखाई जाती थी, बट इसमें तो फाइटिंग है ही नहीं। यहाँ पे तो 100-100 एपिसोड निकल जाते हैं, और सिर्फ अंदर नॉर्मल छोटी मोटी सी फाइट हो रही थी, बट नारुतो में 100-100 एपिसोड में कितने, उसमें कितनी औसम फाइट देखने मिल जाती थी। मेरे को तो नहीं पता कि ओकियो कोडाची और मसाशी किशिमाटो क्या करना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं बोरुतो में, बट हाँ हम फ्यूचर एपिसोड का वेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एपिसोड में बोरुतो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाने वाले हैं, मेरे को ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टिंग में जब आपको पता है बोरुतो चालू हुआ था, तो उसमें हम लोग को एक हिंट दिखाई जाती थी, एक हिंट दिखाई गई है, दिखाया गया है कि छोटी सी क्लिप है कि उसमें बोरुतो
बहुत पावरफुल दिखाया गया है और बहुत गंदी वॉर चल रही है आई थिंक, उस टाइप से कुछ दिखाया जा रहा है। सो गाइज वैसे तो इसमें बहुत सारे और पॉइंट है जिससे हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि वीडियो में लाइक बोरुटो और नारुतो में ज्यादा अच्छा, उन सब के बारे में हम ब्रीफली बात तो नहीं कर सकते बट हाँ उनको हम छोटे छोटे पार्ट में बता सकते हैं, तो उन सबको बता के हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। तो गाइज ये पॉइंट्स बहुत जल्दी सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। नारुतो में रियल विलन्स थे जो रियलिटी में बुरे थे, इन कंपैरिजन ऑफ बोरुटो, बोरुटो में कोई रियल विलन्स नहीं दिखाया गया, सिर्फ अगर देखा जाए तो जैसे जीरेन वगैरह जो थे इशिकी ओत्सुकी मेन, उनमें ओत्सुकी को दिखाया गया है विलन। वहीं अगर देखा जाए नारुतो में बहुत सारे थे इताची ओरोचिमारू, इताची बुरा नहीं था बट हाँ उसको भी विलन की तरह कंसिडर करा जाता था। वहीं देखा जाए नारुतो का एक बचपन से एक सपना था कि हाँ वो फ्यूचर में जाके हुकागे बनेगा, बट बोरुटो का कोई भी ड्रीम नहीं था, बोरुटो के पास कोई भी ड्रीम नहीं था अंटिल जब तक वो सासुके से मिला नहीं था, क्योंकि सासुके जैसे कि आप जानते हैं शैडो होकागे, तो अब उसका भी वही सपना है बोरुटो का कि उसको भी शैडो होकागे बनना है। नारुतो बचपन से अकेला था सो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया कि हाँ उसको पता था कि वो बचपन से अकेला, उसको सब कुछ खुद करना पड़ा, लेकिन बोरुटो के पास फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, बहुत इजीली बोरुटो को सब कुछ मिल गया। तो इस चक्कर में नारुतो को कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था, तो इस चक्कर में वो पावरफुल बना। नारुतो आज जहाँ पे भी है उसने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बट बोरुटो को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नारुतो को बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मिली थी, वही चीज़ें बोरुटो को बहुत ईजिली मिल गई, जिनमें से आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंसी नारुतो के अंदर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, आई थिंक अभी भी कम है बट हाँ है, बट बोरुटो को स्टार्टिंग से इंटेलिजेंसी थी। बोरुटो ने शैडो क्लोन जुत्सु बहुत ईजिली सीख लिया था, जिसको नारुतो को सीखने में बहुत मेहनत लग रही थी भाई, बहुत मेहनत लगी थी। नारुतो को रासिंगन सीखने में बहुत मेहनत लगी थी, वहीं बोरुटो ने उससे छोटा रासिंगन सीखा और बट उससे बेटर सीखा वैनिशिंग रासिंगन, लाइक वो थ्रो करता था और जो उसका चक्रा था वो गायब हो जाता और देन एकदम से अटैक होता है। सो गाइस ऑसम लगता है। नारुतो स्टार्टिंग में वीक था भाई, मतलब उसको स्टार्टिंग में इतना वीक दिखाया गया था कि वो किसी से भी हार जाता था, किसी से भी, बट वो धीरे धीरे उसने बहुत हार्ड वर्क किया परवी से, जैसे मास्टर जिराया के संग ट्रेनिंग करी, काकाशी सेंसेई के साथ ट्रेनिंग करी, तब जाके वो पावरफुल बना। बट वहीं देखा जाए बोरुटो नारुतो से स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल था, देखिए एंड की बात नहीं, एंड के पास क्योंकि उसके पास तो कुरामा था नारुतो के पास, तो धीरे धीरे करके पावरफुल बन गया, उसने मेहनत बहुत करी नारुतो ने, बट बोरुटो स्टार्टिंग में पावरफुल बहुत था नारुतो से और इंटेलिजेंट भी बहुत था, बट नारुतो ने मेहनत करी। लेकिन बोरुटो आप जैसा कि जानते स्टार्टिंग में जब तक सासुके की एंट्री नहीं हुई थी तब तक वो बोरुटो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, नॉर्मली उसको इजीली सब चीज़ें मिल जाती थी, बट उसके बाद जब से बोरुटो सासुके से मिला तब से उसने मेहनत की करना चालू किया। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगली बार मिलते हैं, सो स्टे सेफ।